गुलाम नबी आज़ाद साहब को इतने बड़े कद के लीडर हैं, शाहनवाज चौधरी का नाम उनके साथ मत जोड़िए, क्योंकि अब हमें पसंद नहीं है कि जब से उसने ये आज़ाद साहब के ऊपर एक्शन लेने की बात की जा रही है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये वो लोग अफवाह फैला रहे हैं जो कांग्रेस के दो फाड़ करना चाहते हैं, जो कांग्रेस को बिखरता हुआ देखना। प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो उसके बावजूद भी ज़मीन से जुड़े हैं। वो कहते हैं वो अपना जो उनका वो चाय बेचते थे, बर्तन साफ करते थे या कुछ भी करते थे, उस चीज़ को भूले नहीं, भूल गए होंगे। मुझे लगता है कुछ लोग भूल गए जिन्होंने इतने बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वो लोग यकीनन भूल गए कांग्रेस की हिस्ट्री को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की अडाली को। से भी मैंने भाजपा के नेताओं से भी इस विषय पर हमें भाजपा से कोई लेना नहीं, मैंने बात की आप क्योंकि उस दिन एलिगेशन लगा रहे थे और आप ये कह रहे थे कि आरएसएस और भाजपा यकीनन पीछे उनका हाथ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी रंजिशें चल रही हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर उन होटल्स को, उन रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। वो तो आपने उस समय क्यों नहीं बंद किया जब वो होटल वहाँ बन रहे थे, वो रेस्टोरेंट वहाँ बन रहे थे? तो आज उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हो तो आज आपको याद आ 1970 टूटने के बाद यही लोगों का गिफ्ट दिया कि लोगों की जमीन को आप ये कहते हैं कि ये भी हमारी। एक्शन खत्म हुई तो बंद कर दिया। जब अपने लीडर्स के नाम आना शुरू हो गए, पता चला कि अब नुकसान होगा, अब वोट बैंक हमारा कम हो जाएगा, तो बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक चेर समाचार से। पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें ऐसी वायरल हो रही हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद साहब की तारीफ क्या की, अब ये कहने लगे हैं लोग कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं में बहने लगी है धीरे धीरे। इस पर चर्चा करेंगे। और जब इस पर प्रदर्शन किया गया था, दो गुट बन गए थे और पहला गुट ये कहता था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्टी से निकालो, दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं है, आज़ाद साहब बहुत अच्छे हैं, शाहनवाज को पार्टी से निकालो। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पर बात करेंगे और सिद्रा रेस्टोरेंट जो 29 रेस्टोरेंट है उन्हें बंद क्यों किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव चोपड़ा जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 28 के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और जब प्रदर्शन हुआ था शहनवाज का तो उसके बाद आप ही मैदान में उतरे थे आज़ाद साहब के समर्थन में, और लोग अब कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री के आंसुओं में बहने लगी है कांग्रेस पार्टी, बह रही है कि अभी क्या? जी दीपक जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आंसुओं में कांग्रेस पार्टी बहने लगी है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, ना ही कांग्रेस को कोई बहा सकता है और ना कोई ऐसा पैदा हुआ। कांग्रेस पार्टी संघर्ष से कभी नहीं डरती, सैक्रिफाइस से नहीं डरती, बलिदान देने से नहीं डरती। वो कांग्रेस है जिसने इस भारत माँ के आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस कांग्रेस को, इस देश को ऊंचा रखने के लिए इस कांग्रेस परिवार ने बलिदान दिए हैं, ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस कभी भी बह नहीं सकती। मतलब अभी ये भी चर्चा होने लगी है क्योंकि शाहनवाज चौधरी ने जब प्रदर्शन किया था तो वो कह रहे थे कि जी आज़ाद साहब को बाहर निकाल दो। आपको क्या लगता है कि आज़ाद साहब को बाहर निकालने के लिए कोई हाई कमांड ले रही फैसला, या फिर शाहनवाज को बाहर निकालने के लिए कोई हाई कमांड फैसला ले रही है? देखिए, आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को, इतने बड़े कद के लीडर हैं, शाहनवाज चौधरी का नाम उनके साथ मत जोड़िए, क्योंकि अब हमें पसंद नहीं है कि जब से उसने ये प्रोटेस्ट किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के नेशनल लीडर हैं, वर्ल्ड वाइज उनका नाम चलता है गुलाम नबी आज़ाद, और शाहनवाज चौधरी जो हैं वो सिर्फ मात्र एक कस्बे के, एक कुंबे के लीडर हैं। उनको आप इतने बड़े नाम के साथ मत मैच कीजिए। और जहाँ तक की बात रही कि आज़ाद साहब के ऊपर एक्शन लेने की बात की जा रही है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये वो लोग अफवाह फैला रहे हैं जो कांग्रेस के दो फाड़ करना चाहते हैं, जो कांग्रेस को बिखरता हुआ देखना चाहते हैं।
आजाद साहब ने ऐसी कौन सी बात की है कि जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? उन्होंने तो कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही, उन्होंने तो ग्रास रूट में जाने की बात कही, उन्होंने वार्ड में, ब्लॉक में, बूथ में जाने की बात कही, उन्होंने इलेक्शंस करवाने की बात कही। उन्होंने भी तारीफ की ना प्रधानमंत्री मोदी की। दीपक जी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं एक गांव से आया हूं, वो उस वक्त गुज्जर बकरवाल समूह के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो खुशबू गुज्जरों के कपड़ों से आती है उसको फकर होना चाहिए, मैं गुज्जर हूं। एक बकरवाल हो, पहाड़ी हो, उसको फकर होना चाहिए अपने काम के ऊपर। अगर मैं एक गांव से निकलकर आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आया हूं, मुझे फकर है मैं अपने गांव से निकल कर आया हूं, मैं जमीन से जुड़ा हूं। आज देखें जहां गुलाम नबी आजाद साहब खड़े हो जाते हैं, वहां से लाइनें शुरू हो जाती हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। नहीं, हमने जब एयरपोर्ट पर वो आ रहे थे, हमने देखा, आपने देखा कि कितना बड़ा जन समूह कैसे ढोल बाजे लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। वो पूरी रोड फूलों से भरी पड़ी थी। तो लोगों का प्यार है उनके लिए। एक छोटे से गांव से निकलकर वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आए, कितने प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। नहीं, कहने का अर्थ है कि उनको उन्होंने नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो उसके बावजूद भी जमीन से जुड़े हैं। वो कहते हैं वो अपना जो उनका वो चाय बेचते थे, बर्तन साफ करते थे या कुछ भी करते थे, वो उस चीज को भूले नहीं है। अहम अहंकार नहीं है, अहंकार की राजनीति नहीं करते। ये तारीफ ही अहंकार की राजनीति करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। नहीं, ये तारीफ ही तो होगी। तारीफ होती है कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो ये हैं। उन्होंने सिर्फ ग्राउंड लेवल की जमीन से जुड़ने की बात कही अपने वर्कर्स को। मतलब प्रधानमंत्री सीखने की जरूरत है सभी को, ऐसा वो कह रहे थे। हाँ, कुछ बातें कि अगर मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन गया हूँ तो मैं अपनी जमीन को, अपने गाँव को नहीं भूला। प्रधानमंत्री जी बन गए तो वो अपने गाँव को नहीं भूले, जमीन को नहीं भूले। ये नहीं कभी सोचते कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया हूँ तो मैं चाय बेचने वाला अगर मैं बोलूंगा तो मुझे कहीं छोटा हो जाएगा। नहीं तो ये चीजें कांग्रेस के अंदर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल जब वो दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो ग्राउंड लेवल को भूल गए, जब उनमें अहंकार आ गया। कहीं ना कहीं भूल गए होंगे, मुझे लगता है कुछ लोग भूल गए जिन्होंने इतने बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग यकीनन भूल गए कांग्रेस की हिस्ट्री को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को। नहीं, उनको बाहर निकाला जा रहा, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए, आप दीपक जी, आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जम्मू शहर के लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो हैं लेट श्री अनिल चोपड़ा जी, उन्होंने 40-45 साल कांग्रेस में दिए और जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की सेवा की। कभी भी उन्होंने कांग्रेस से कंटेस्ट, कोई भी छोटी इलेक्शन हो, बड़ी इलेक्शन हो, नहीं की। टिकट नहीं मिली, बड़ा संघर्ष किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ काम किया, लेकिन कभी उनको टिकट नहीं मिली। बड़ा संघर्ष किया टिकट के लिए, बड़े बड़े पैराशूट के लीडर आए, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना कांग्रेस के किसी लीडर के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी रोम रोम में कांग्रेस थी और हमारे भी रोम रोम में कांग्रेस है, हमारे खून का एक एक कतरा कांग्रेस है। उनसे सीखना चाहिए। कितने ऐसे हमारे कांग्रेस के लीडर्स जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। शाहनवाज चौधरी को अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते। आपकी कौन सी उम्र चली थी? आपने अभी खुद ही कहा कि मैं कौन सा इतना बूढ़ा होने वाला हूँ या कुछ है। वो तो उस व्यक्ति को होता है कि जो कहता है कि भाई आगे अब संघर्ष नहीं होगा, मैं तो कंटेस्ट करूंगा। नहीं, आप थोड़ी सी पेशेंस रखते, आप कांग्रेस के मैंडेट की रिस्पेक्ट करते, आप अपने ऑफिशियली कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ नहीं इलेक्शन लड़ते। आपने तो उस मर्यादा को
धजियां धजियां उड़ा दी उस मर्यादा की, उस कांग्रेस की, उस कांग्रेस परिवार की, और अपने आप को कांग्रेसी कहते हो और आजाद साहब को सिखाओगे कि कांग्रेस कैसे मजबूत करनी है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर भी तो निकाल रहे ना, वो कांग्रेस में है ही नहीं है वो कांग्रेस। हमने तो ये डिमांड की है कि जो लोग उनके साथ उस प्रोटेस्ट में थे, नहीं वो तो कह रहे थे वो उन लोगों को, इंडिपेंडेंट जब जीता उसके बाद मैं हाई कमांड से मिला, उन्होंने वापस से मुझे वापस लाया। हमें तो मालूम नहीं कि वो हाई कमांड को कब मिलकर आए और कब उन्होंने पार्टी ऑफिस में ज्वाइनिंग डाली, हमें तो इस बात का कोई इलम नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है, हमें तो कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड बताया जब उन्होंने ज्वाइनिंग डाली कांग्रेस ऑफिस के अंदर, कौन से कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर उनके हाथ खड़े करके जाए गले में जयमाला डालकर बता दिया कि ये कांग्रेस में आ गए। क्या बात करते हैं दीपक जी। नहीं तो मतलब शहनवाज चौधरी को बाहर नहीं निकाला जा रहा, ना ही आजाद साहब को बाहर निकाला जा रहा है। आजाद साहब को कौन बाहर निकाल सकता है दीपक जी, क्या बात करते हैं। नहीं वो तो शहनवाज चौधरी कह रहे हैं ना उनको बाहर निकालो, शहनवाज चौधरी के कहने पे आजाद साहब को बाहर निकाल दें। नहीं दोनों का खुद का अपना वजूद नहीं, क्या आजाद साहब ने कभी कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, क्या बात करते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब है हाई कमांड। नहीं हमने तो ये डिमांड रखी है, हमारे स्पोक पर्सन ने भी कहा कि जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े कद के लीडर का आपकी आपसी कोई तालमेल नहीं है। अगर आपकी असली सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये स्टेप उठाया। अगर आप कांग्रेसी थे तो आप अंदर बैठकर कमरे के अंदर बात करते, आप दिल्ली जाते हाई कमांड के साथ बात करते कि ऐसा कह दिया आजाद साहब ने तो हमें नुकसान हो रहा है। भाजपा से भी मैंने, भाजपा के नेताओं से भी इस विषय पर हमें भाजपा से कोई लेना नहीं, नहीं मैंने बात की आप क्योंकि उस दिन एलिगेशन लगा रहे थे और आप ये कह रहे थे कि आरएसएस और भाजपा यकीनन पीछे उनका हाथ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी रंजिशें चल रही हैं। बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं आज कि गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ बोलने के लिए आज भाजपा के पास क्या है। वो रविंदर रैना जी जो बोलते थे कि कौन गुलाम नबी आजाद, उनको बताया मोदी जी ने कि कौन गुलाम नबी आजाद, अब वो नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा प्रचार करेंगे आज गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ। वो बुखलाए हैं, और जो वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से, उसमें जो लोगों का प्यार देखने को मिला, जो जनसमूह वहां देखने को मिला, भाजपा आरएसएस जम्मू कश्मीर के अंदर बुखला हो गई है कि आजाद साहब जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर वापसी करेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है कि गुलाम नबी आजाद साहब जब बड़े बड़े दिग्गज नेता ये अब उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे, जिस तरह से अपनी अपनी पार्टी, ऐसा 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 तो कुछ नहीं है। और आजाद साहब जो है वो कांग्रेस को बखूबी समझते हैं और उनके साथी जो हैं उन्होंने सिर्फ ये डिमांड की है कि कांग्रेस को ग्रास रूट में जाने की ज़रूरत है, हम वर्कर्स को, चाहे मैं भी हूँ कोई भी हो, हमें अपने बूथ में बैठने के लिए एजेंट्स चाहिए, बूथ लेवल के लोगों को, वार्ड लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीसीसी लेवल, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस होनी चाहिए। इलेक्शन का क्या मकसद होता है कि अगर आप इलेक्शन लड़कर प्रेसिडेंट बनते हैं किसी भी सभा के, किसी भी पार्टी के, तो अगर आप 50 में से 26 वोट लेते हैं तो इसका मतलब 26 लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल, और 25 लोग आपके, 24 लोग आपके खिलाफ हैं, वो आपके खिलाफ काम करेंगे और 26 जो आपके साथ काम करेंगे, तो एक कंपटीशन भी बना रहेगा और काम करने का मजा आएगा और वो पता चलेगा कि वो 26 लोग आपके साथ हैं, वो आपके बूथों में बैठेंगे, आपके ब्लॉक्स को मजबूत करेंगे, वार्ड्स को मजबूत करेंगे। जब आप अपॉइंट होकर आते हैं तो आपके साथ कोई घर वाला भी चलता हो तो वो किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए आजाद साहब ने कहा कि इलेक्शन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए कांग्रेस के अंदर, इसमें क्या गलत कहा, मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। अब अगर मैं कॉर्पोरेटर बनकर आया हूँ, मेरे खिलाफ 11-12 लोगों ने कॉन्टेस्ट किया और उनको हराया मैंने, और मैं चुनाव जीतकर लोगों का वोट लेकर आया हूँ, मत लेकर आया हूँ, मैं नहीं ऊपर से आसमान से पैराशूट से आया और कॉर्पोरेटर बन गया। उस दिन आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद हाईकमांड से कोई आपको निर्देश हमने हाईकमांड से हमारी बात हुई और हमने कहा कि हमारा लीडर है गुलाम नबी आजाद,
जो उसके खिलाफ बात करेगा, और इनडिसिप्लिन पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, ये वो कांग्रेस है जो महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी, ये वो कांग्रेस है जिसने सेक्रीफाइस किया और जिसने अपनी इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे दी, ये वो कांग्रेस, और उसके अंदर इनडिसिप्लिन किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाते हैं तो फिर आप सभी कांग्रेस से, देखिए आपके चैनल के माध्यम से ही और आप ही से सुन रहा हूँ कि कोई पार्टी बनेगी, ऐसा तो अभी नहीं, हमें कुछ लगता अगर नहीं ऐसा हुआ तो नहीं, अभी ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा हमें, अगर ऐसा होता तो आप फिर उनके साथ जाएंगे क्या? आप फिर वही बात कर रहे हैं कि आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, या कुछ लोगों ने यहाँ जम्मू के अंदर शोर कर दिया कि आज़ाद साहब बीजेपी में जाएंगे। आज़ाद साहब ने साफ क्लियर कर दिया कि मैं ना बीजेपी में जाऊंगा और ना ही मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवा करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा, ताकतवर करूंगा, ताकि 2024 के प्रचार इलेक्शन में कांग्रेस उभर कर आए और नए तरीके से यंगस्टर्स आगे आए। उस कांग्रेस की आज़ाद साहब बात करते, आप ये आज़ाद साहब के लिए बड़ी छोटी बातें हैं, ये मैटर नहीं करती हैं। चलिए, इसके अलावा 29 रेस्टोरेंट जो थे वो सिद्रा में बंद हो गए, उसका कोई कारण आपको दिखता है? कारण आपको मालूम होगा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जब आप पहल कर रहे हैं, जिस प्रकार आप कहते हैं कि 370 टूटने के बाद रोजगार पैदा होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाएंगे, तो ये उसी की पहल है कि जिन यंगस्टर्स ने अपने पांव पे खड़े होने की बात कही, क्योंकि नौकरियां तो मिल नहीं रही, आपने देखा कि फोर्थ क्लास एम्प्लॉय की नौकरी के लिए 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो अगर वो यंगस्टर्स ने अपने पांव पे खड़े होने की बात कही, लोन लिया या क्या क्या किया और वहां रेस्टोरेंट्स खोले, तो आपने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर उन होटल्स को, उन रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। नहीं, वो तो आपने उस समय क्यों नहीं बंद किया जब वो होटल वहां बन रहे थे, वो रेस्टोरेंट वहां बन रहे थे? तो आज उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हो तो आज आपको याद आ गई स्टेट लैंड? नहीं, वो तो कह रहे हैं स्टेट लैंड है। आपको 2 साल के बाद याद आया स्टेट लैंड जब वो बन रहे थे? यही तो प्रॉब्लम है दीपक जी, जब एक इनलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वहां जाकर उसको रोकते नहीं है, बनने देते हैं। जब बन जाती है और अपनी बात नहीं बनती तो पंजा तोड़ देते हैं। मैं उस दिन वहां गया भी था और वहां पर मैंने जब यही बात हुई, नहीं मैं जो बता रहा हूं आपको, मैंने जो बात की वहां पर, गुर्जर समुदाय ने ये कहा कि हम 300 सालों से यहां रह रहे हैं, ये जमीनें हमारी है और प्रशासन कह रहा है कि स्टेट लैंड है। ऐसे में गुर्जर समुदाय के कोई चर्चा आपकी हुई है कि जमीनें हैं? यही तो लोगों को गिफ्ट दिया इन्होंने यूटी का, 370 टूटने के बाद यही लोगों को गिफ्ट दिया कि लोगों की जमीन को आप ये कहते हैं कि ये भी हमारी जमीन है। आज कहां गया रोशनी एक्ट? बंद बस्ते में बंद हो गया। डीडीसी की इलेक्शन थी तो आपको रोशनी एक्ट याद आ गया, डीडीसी की इलेक्शन थी तो गुपकार गैंग याद आ गया। नहीं, उसमें इनके खुद के नेता भी आ रहे थे ना भाजपा, तभी तो बंद किया। अच्छा, इलेक्शन खत्म हुई तो बंद कर दिया जब अपने लीडर्स के नाम आना शुरू हो गए, पता चला कि अब नुकसान होगा, अब वोट बैंक हमारा कम हो जाएगा तो बंद कर दिया। इसी तरह जब जम्मू का यूथ, वो बेरोजगार साथी, जब रोजगार पैदा किया उसने, जब आपने देखा कि उनका काम काज चलना शुरू हो गया तो आपने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब वो व्यक्ति, वो हमारा युवा साथी, वो कहाँ जाएगा? कौन टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देंगे आप बताएं मुझे? कौन आएगा जम्मू के अंदर? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान की आवाम को कि जम्मू के अंदर टूरिज्म खत्म हो रहा है, जम्मू के अंदर युवाओं का गला घट दबाया जा रहा है? ऐसे में आत्मनिर्भर बन पाएगा भारत? आप उनसे पूछें जो आत्मनिर्भर का नारा देते हैं, क्या ऐसे करेंगे आत्मनिर्भर भारत? उन लोगों ने, उन बच्चों ने, उन भाइयों ने, उन यूथ ने कहां से पैसा लाया, लोन लिया या अपने माँ बाप की पूंजी लगा दी और उसके बाद आप वहां उसको जाके सीज करते हैं? ये मुझे बताएं, वो युवा कहां जाएगा आज हिंदुस्तान के
जो जम्मू कश्मीर का हमारा युवा है, नौकरी है आप नहीं उनको दे रहे, जहां हम कहते थे कि कश्मीर वाले ले गए जी, 20% जम्मू को मिलेगी जी, आज आपने उस 20% के ऊपर भी ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन कर दिया। आपने यूटी बनाने के बाद उस 20% को भी हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ डिवाइड कर दिया, भारत के बच्चों के साथ। अब मुझे बताएं, अब हमारा जम्मू का बच्चा पहले लड़ता था कश्मीर वालों के साथ, अब लड़ेगा ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन, तो कौन सोच रहा है इन लोगों के लिए? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। तो भाजपा की करनी और कथनी में तो मतलब इसका अर्थ है फर्क साफ साफ दिखता है। तो भाजपा को हटाना ही पड़ेगा, फिर आप लोग आएंगे सत्ता। भाजपा का हटना जरूरी है अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाना है, खासकर की डोगरों को बचाना है, डोगरा आइडेंटिटी को बचाना है, तो भाजपा का हटना जरूरी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। तो भाजपा का हटना जरूरी है ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि अब आजाद साहब पार्टी से बाहर होंगे कांग्रेस से, या फिर शहनवाज चौधरी, इन दोनों में से अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला गया है। तो समझ नहीं आ रहा कि यही बार बार प्रश्न आता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है और कब तक चलेगा, क्योंकि ये जो अभी मूवमेंट शुरू हुई है, ये मूवमेंट कहाँ तक लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी को? बचेगी या नहीं बचेगी? आज़ाद साहब पार्टी में रहेंगे या नई पार्टी बनाएंगे, या शाहनवाज चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा जाएगा? हम इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का, जब कुछ फैसला लिया जाएगा, हमारे पास कुछ बातें आएंगी, तब हम सार्वजनिक करेंगे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त।